So today we will study about the treatment of kidney stone. So what is the treatment of the kidney stone? So सबसे पहले जो होता है किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, मीन्स वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितना वाटर इंटेक ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद क्या होता है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट ये होता है, ठीक है, तो वो भी देते हैं फॉर किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स हम दे देते हैं, ताकि अगर कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को प्रोफाइलेटिक में दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट दिए जाते हैं, क्लेथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है फॉर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स। उसके अलावा जो है ना, डॉक्सीसाइक्लिन भी दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या, एनालजेसिक्स फॉर पेन, अगर पेन वगैरह होता है किडनी स्टोन की वजह से, तो उसके लिए हम पेन के लिए एनालजेसिक्स देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है फॉर किडनी स्टोन, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और उसके अलावा क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है वो जो है ना कंट्राइंडिकेटेड है कुछ पीपल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ओबेस पेशेंट हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा एंटी कोगुलेशन थेरेपी पे जो होते हैं उनके लिए जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनमें हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनमें जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी उन पेशेंट्स में हम करते हैं। और उसके बाद क्या है, नेफ्रोलिथोटोमी ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन।